डॉक्टर अनुरली भुट्टा। आपके शहर का नाम? पाड़ा सिंह। आप एको प्रोग्राम से कब से जुड़े हैं? एको प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट जिस दिन से हुआ है तब से ही मैं इसके साथ जुड़ा हूँ और सारे लेक्चर मैंने अटेंड किए। प्रोफेसर अशोक चौधरी साहब ने मुझे इनिशियली इनवाइट किया था और उस दिन से वो प्रोग्राम जारी है और सारे कोविड के दिनों में भी और अब भी सारे जारी प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, आपके मौजूदा क्लिनिक का फासला आपके मरीजों के घर से कितना है अंदाजा? हाँ, चूँकि मैं प्राइमरी केयर फिजिशियन हूँ इसलिए मेरे पेशेंट नज़दीक के पेशेंट ही होते हैं 5-10 किलोमीटर में और लोकल शहर के अंदर से भी या पेरिफेरी गांव जो है वो 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस से लोग आमतौर पर मेरे पास रजू करते हैं। किसी भी बड़े शहर में कंसल्टेंट के पास जाने के लिए आपके मरीजों के अंदाजन कितने पैसे लग जाते हैं? टर्शियरी केयर में जाने के लिए या स्पेशलिस्ट के पास नज़दीक तरीन शहर जो टर्शियरी केयर वाला हमारे उगाड़ा के नज़दीक है वो लाहौर है। वहाँ पर जाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है। एक तो उसने कन्वेंस खुद अरेंज करनी होती है, फिर उसने जाके वहाँ पे बुकिंग करवानी होती है, वेट करना होता है डॉक्टर्स का और फिर इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो वो आम बंदे के बस का तो काम नहीं है। क्या आप महसूस करते हैं कि एको प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के बाद आपको मरीज में के जो डिजीज़ थी उसका तशख्स करते हुए में उसमें बेहतरी आई है किसी किस्म की? यस, मैं काफ़ी देर से जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन जितना मुझे इको के इस मीटिंग्स ने फ़ायदा दिया है, पहले मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो कम से कम मुझे हर पेशेंट की मैनेजमेंट का पता लग गया। जो मैं पेशेंट ना भी मैनेज कर सकूं, एटलीस्ट मुझे पता होता है कि इसको कहाँ जाना चाहिए, कौन उसको मैं रेफ़र करता हूँ, पूरे क्लिनिकल नोट्स उसके बनाता हूँ, सारी कैलकुलेशन करते हैं और देन भेजते हैं टर्शियरी केयर में ताकि उनको इजी हो उसको। और इसके अलावा आपने खुद ही फरमाया कि आपके यानी एको प्रोग्राम सेशन से जुड़े रहने की वजह से क्या आपको लगता है इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रा गेन हुआ है किसी भी डिजीज़ के बारे में नॉलेज हासिल? बिल्कुल, इको के साथ मुझे जुड़े रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और ख़ास तौर पे डॉक्टर असद चौधरी साहब जो है और उनकी टीम, उनका इतना डेडिकेशन है, इन टाइम उन्होंने सारे लेक्चर अरेंज किए हैं और मेरे जैसा बंदा जो प्रीफ्रीम बैठा हुआ है ये बातें तो सीख ही नहीं सकता था कहीं से भी, और इतना टाइम नहीं होता कि हम लाहौर में फ्रीक्वेंटली आते रहें और लर्न करते रहें, बड़ा मुश्किल होता है। घर बैठे सारे लेक्चर्स आ गए, वो बेसिक्स इन्होंने तो ऐसे पढ़ाए जैसे स्कूल के बच्चों पढ़ाते हैं ना, इनिशियल अल्फ बे ते दोबारा सुनाओ क्या हुआ, इस तरह से हमें उन्होंने पढ़ाया है और एक एक चीज़ उससे मेरे कॉन्फिडेंस में कोई 100% इजाफा हो गया और मेरे पेशेंट भी नेचुरली उसी हिसाब से मेरे से सेटिस्फाइड है। और उसमें मेन कंट्रीब्यूशन यही इनकी लेक्चर्स की है, उनकी डेडिकेशन की है और उसमें उज़ैर साहब का हिस्सा मैं मेंशन करना चाहता हूँ। इनकी ये जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये हमेशा जिस दिन लेक्चर होता है ना उस दिन लिखते थे, पहले भी नोटिफाई करते उस दिन भी लिखते हैं कि हैपनिंग टुडे, वो उससे बंदा अलर्ट हो जाता है। सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो बाकी बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरे मरीजों को भी फ़ायदा हुआ है और मुझे हेपेटोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। और इसके अलावा ये है कि आपके अभी भी जब कोई मरीज़ आपके आते हैं तो आप क्या उनको स्पेशलिस्ट के पास जाने का कहते हैं? यस, इनिशियली अब इस वक्त मैं जो करता हूँ सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, जो केसेस डिटेक्ट होते हैं उनकी फिर स्टेजिंग करता हूँ कि कौन कौन से पेशेंट्स जो हैं जिसको मैं डील कर सकता हूँ, कौन से पेशेंट जो हैं उनको जाना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन जो पहले मरज थी हेपेटाइटिस सी, उसके पेशेंट्स जो चूँकि मैं प्राइमरी केयर हूँ वो प्राइमरीली मेरे पास आते हैं, मैं ही डायग्नोज करता हूँ, उनकी डायग्नोसिस हो जाती है और आजकल इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया और मुझे सारा इको के ज़रिए पता चला, तो अब उनको मैं देता हूँ तो वो 100% ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद जो केसेस होते हैं जिनको मैं नहीं डील करता हूँ उनमें स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन्स होती हैं, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होता है और जो बहुत ज़्यादा टर्शियरी स्टेज पे होते हैं डीकम्पनसेटेड सिरोसिस के लिवर के पेशेंट्स, उनको फिर मैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल लाहौर वहाँ पर रेफर कर देता हूँ।
अब आखिरी सवाल आपसे यही कहूँगी कि क्या आपके मरीज आपके इलाज से और आपके इलाज के मेयार से खुश हैं? Yes, of course, क्योंकि वो बेहतर महसूस करते हैं इसीलिए फिर आते हैं मेरे पास, रेगुलर उनका फॉलो अप होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने प्रोफेसर असद चौधरी साहब से सीखी है ना, ये है कि मैं पेशेंट को पूरा गाइड करता हूँ, उसको मैं ऐसे दवाई लेके नहीं देता, उसको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ, इतना साल में ट्रीटमेंट करना है, ये आपकी कॉम्प्लिकेशन है, ये जी हमें तो इतना आउटकम इसका ये निकलेगा, तो मतलब उससे पेशेंट एजुकेट हो जाता है ना, जब वो ट्रीटमेंट फिर उसका पूरा फॉलो करता है, ट्रीटमेंट ड्रॉप नहीं करता, ट्रीटमेंट जब ड्रॉप नहीं होता तो वो पेशेंट नेचुरली क्योर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।